केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने प्रवास के दौरान दमोह पहुंचे और दमोह में पहुंचने के बाद उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और मिलने वाले लोगों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र के विषय में बताया। साथ ही मोदी सरकार के पूर्ण हुए कार्यकाल के विषय में भी जानकारी दी और कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे लगातार जनता के हित में जारी है। क्या कुछ कहा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। नहीं, मैंने पत्र लिखा है उनको और उनका जवाब अभी आया नहीं है। मैंने उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र संलग्न करके भेजा है कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको वो देखें। आज भी मैंने उस बात को कहा है कि केजरीवाल जी अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए बहुत सारे हरकतें करते रहते हैं, वो माहिर हैं, लेकिन देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए। मैं उनके पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, अन्यथा आगे भी रास्ते हैं जिस पर हम, मैं वो भले चुप रहें, देश चुप नहीं रहे। एक तारीख से अनलॉक होने की प्रक्रिया चालू होने वाली है, ये सरकार कर रही है, आपके भी मंत्रालय के बहुत सारे विभाग में डिजास्टर मैनेजमेंट की समितियाँ होंगी। मंत्रालय के स्तर भी हम लोग लगातार बात करते हैं, पहले दिल्ली प्रदेश के लॉकडाउन के बारे में फैसला होने दीजिए, क्योंकि सारे जो दिल्ली के कार्यालय हैं उसके बाद ही मंत्रालय सोचेगा। हम अभी तक वर्चुअल ही अपने काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं कोई खतरा नहीं है तो उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत सरकार के निर्देशों का और राज्य सरकार की SOPs का ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। एक सवाल और आखिरी, 18 प्लस का जो बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगने का है वो तहसील स्तर पर चालू हो गया है, शहरी स्तर में कब तक? नहीं, मुझे लगता है ये राज्य सरकारों को प्लान करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक निर्णय किया कि एक बार वो 45 प्लस के लोगों के उस टारगेट को अचीव करे, तो उसके बाद में जब पर्याप्त मात्रा में उनके पास में वैक्सीन हो तो फिर उसके बाद में वो अभियान चलाएं। मुझे लगता है ये मॉडल ठीक है। ओके, आज काफ़ी कार्यक्रम हुए, क्या क्या कार्यक्रम? कल मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं और मेरे मंत्री के रूप में 2 वर्ष पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में कल सेवा ही संगठन के उद्देश्य अपने उत्तरदायित्व के पालन करने के लिए संकल्पित है। मंत्रियों को कहा गया कि वो वर्चुअल जुड़े ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो और उल्लंघन ना हो। तो एक दिन पहले मैंने तय किया था कि मगरोन हमारा बड़ा गांव है लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत कम है, और इसलिए मैंने तय किया कि वहाँ जाकर बैठकर उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 47 लोगों ने सहमति दी थी, 47 के 47 लोगों ने वो वैक्सीनेशन कराया और मुझे खुशी है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे हटा विधायक उस समय उपस्थित रहे। फिर हमारा जो सेवा प्रकल्प है जरारू धाम, वहाँ पर जाकर सब लोगों ने अपना, जैसा हम लोग सामान्यता करते हैं, एक छोटा सा स्वच्छता अभियान भी चलाया वहाँ। और उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गंगाराम जी के निधन उपरांत उनके परिवार में जाकर बैठना हुआ, और माननीय शिवराज जी ने जो कोरोना काल में जिनके अभिभावक या माता पिता नहीं रहे, ऐसे एक परिवार में जाकर, हमने कुशवाहा परिवार है, पवन कुशवाहा और भूमिका कुशवाहा उनकी बहन है, उनसे भेंट करके संबल योजना के तहत उनको 2 लाख का लाभ मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, पेंशन का लाभ उनको मिलेगा और बाकी जो परिवार को मिलना चाहिए था जैसे अंत्येष्टि की सहायता या बाकी, वो SDM ने उनको नगद भुगतान के रूप में दिया है। उनके दादाजी अभी हैं, वृद्ध हैं। हम सब लोग शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर उनको अपने माता पिता से ज़्यादा ऊँचाइयाँ दे। मेरा विश्वास है कि ईश्वर एक हाथ से छीनता है तो दूसरे हाथ से देता जरूर है।
लेकिन जरूरी होता है समाज और सरकार का सहयोग। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आज और कल भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उन्होंने अनेक स्थानों पर युवा मोर्चे के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है, ये पूरे लोकसभा में भी है, तो कुछ स्थानों पर मैं भी जाऊंगा। और ऑक्सीजन फ्लो मीटर जिसकी पिछले समय कमी थी, लगभग वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ गए, तो जिस भी स्थानों पर उनकी ज़रूरतें हैं वो पार्टी की तरफ से और विधायक हमारे जो सम्मानित विधायक हैं कल सभी पीएससी में जो जो ज़रूरतें हैं वहाँ पर इसी उपलक्ष्य में उस स्थानों पर पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय यही सेवा ही संगठन का उत्तरदायित्व है, जो सरकार में बैठे लोग भी कर रहे हैं वो संगठन के लोग भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि भारत महामेरा क्या है। कमलनाथ जी के बारे में मैं हमेशा से टिप्पणियां करता रहा हूँ, वो उनके विरुद्ध रही हैं लेकिन कभी अमर्यादित नहीं रही हैं। मुझे कमलनाथ जी की इस टिप्पणी पर कोई आश्चर्य नहीं है। जिनकी पार्टी का नेता खुद के सर्वनाश के बाद इस बात के लिए खुश हो कि भाजपा का नुकसान हो गया, ऐसे लोगों की मति के बारे में मैं कैसे अपनी टिप्पणी करूं? अगर वो अपनी बात पर कायम है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और सत्ता जाने के बाद मुझे लगता है वो विवेकहीन भी हो गए हैं, और इस उम्र में ये बातें उनके मुंह से शोभा तो देती ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सलाह भी मुझे उनको नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आने का, प्रधानमंत्री नौटंकी करते रहे दूसरी तरफ की मौत के कारण, मैं पहले ही कह चुका हूँ मुझे लगता है टिप्पणी अब करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी हों, कांग्रेस के नेता हों, इस बीच में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं इतने कहूँगा कि जिनका नेता अपनी पार्टी के सर्वनाश पर खुश हो वो लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी रहे हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो रवैया सामने आया है उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति थी दो प्रदेशों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए। मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं उनकी सरकार में मंत्री हूँ इस नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहा हूँ। मुझे दो महान पुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला है। आपदा के समय इससे बेहतर प्रबंधन इस देश में दूसरा कोई नहीं कर सकता था। बिना भेदभाव के दूरदृष्टि के साथ उन्होंने सदैव अपने कदम उठाए हैं, और अभी भी इस चक्रवात के बाद वो दोनों राज्य सरकारों के पास गए जहां पर हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन आप फर्क देखिए कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार आपदा से लड़ रहे हैं इसलिए हम उनसे मांग नहीं करेंगे, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आती है क्योंकि उनको पता है कि दूसरा बैठक करना है। लोकतंत्र में राज्य और केंद्रों के संबंध पर हमेशा से अटल जी इस बात को कहते रहे कि वो मर्यादित होने चाहिए, और मुझे लगता है कि चाहे वो सरकारी आयोग की रिपोर्ट हम पढ़ें या राज्य और केंद्र के संबंधों के पिछले इतिहास को देखें, कल का दिन पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय लोकतंत्र में सबसे खराब दिन था, और देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। मैं ममता बनर्जी के इस आचरण की घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री से